गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज डायरेक्ट स्टूडेंट हमारी 4.3 और 4.3 में स्टूडेंट हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द काउंटिंग द स्क्वायर मेथड। अब हम सॉल्यूशन पता करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय द मेथड ऑफ काउंटिंग द स्क्वायर। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में स्टूडेंट हमने जो रूट पता किए थे वो मेथड था फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन भी किससे स्टूडेंट मिड स्प्लिट से हमने फैक्टराइजेशन किया था। और यहाँ इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से हम करने वाले हैं स्टेप्स टू सॉल्विंग। स्टूडेंट सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, क्या स्टेप्स होंगे। ट्रांसपोज कॉन्स्टेंट टर्म टू द राइट साइड, जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा उसे राइट साइड में ले जाएंगे, एंड ऑल अदर टर्म्स इन लेफ्ट साइड, और जो बाकी और जो भी टर्म होंगे उसे लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। फिर क्या करना फ्रेंड, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय टू स्क्वायर ऐड ऑन बोथ द साइड्स, ये दोनों साइड्स में ऐड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट ये थ्री स्टेप हमने लिखे हैं, चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन में तीनों के तीनों स्टेप अप्लाई करके देखते हैं। पहला स्टेप लिखा स्टूडेंट ट्रांसपोज, जो कॉन्स्टेंट टर्म होगा उसे ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले आइए, और जो भी अदर आपके अदर टर्म्स हैं उन्हें लेफ्ट साइड में ले आइए। तो यहाँ तो बाकी सब लेफ्ट साइड में ऑलरेडी है, बस आपको कॉन्स्टेंट को राइट साइड में ले जाओ। चलिए ले जाइए स्टूडेंट 2x² - 7x = -3। देखिए स्टूडेंट पहला स्टेप आपका पूरा हो, पहला स्टेप क्या है कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड में और बाकी जो भी टर्म है लेफ्ट साइड में रखना है। ओके स्टूडेंट डिवाइड द होल इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दीजिए 2x² - 7x² - 3/2, तो ये हो जाएगा आपका x² - 7/2x - 3/2। अब क्या करना है, अब देखिए ये स्टूडेंट आपका दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे थर्ड स्टेप में क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो देखिए स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट x का जो कोफिशिएंट है वो -7/2 है, -7/2 और डिवाइड में 2 और रखना है स्क्वायर, यानी आपको ये 2 नीचे आ जाएगा -7/4 स्क्वायर, या तो ये चाहिए 40 या ये रुके स्टूडेंट। अब ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव साइन है स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा +7/4 स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, पहले स्टेप में कॉन्स्टेंट टर्म को राइट साइड में बाकी टर्म को लेफ्ट साइड में लाना था, दूसरे स्टेप में पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था, और थर्ड स्टेप में कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2 हो स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2 दोनों साइड में ऐड करना था। तो देखिएगा स्टूडेंट ये ऐड कर लीजिए दोनों साइड में x² - 7/2x + 7/4 2 - 3/2 + 7/4 का स्टूडेंट मतलब होगा 49/16। देख लीजिए स्टूडेंट 7² मतलब ये ऐड करना है दोनों साइड में, मैंने डबल स्क्वायर रखा 49/16। अब देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर माइनस अगर आप इसे ऐसे करते 2 7/4 क्या किया स्टैंड मैंने यहाँ
टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। मुझे कैसे पता चला यही करना है, ये देखिए आप 7/4 है तो आपको 7/4 लाना है, यहाँ 7/4 है तो आपको 7/4 लाना है इंटू एक्स प्लस 7/4 स्क्वायर इक्वल टू 16 एलसीएम वाली आपका 2 8 16 8 3 24 प्लस 49। तो अब देखेंगे स्टूडेंट आप यहाँ ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया होल स्क्वायर हो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, या तो ऐसे लिख लो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए स्टूडेंट आप, देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप इसे रखिए x माइनस 7/4 स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25/16। ध्यान से देखिएगा इसका होल स्क्वायर आप ओपन करके देखिए, एक्स स्क्वायर 7/4 स्क्वायर 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। तो अब यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स माइनस 7/4 स्क्वायर और वो है 25/16 और रूट लेना है ना, रूट ले लिया तो क्या बचा, देखिए इधर इधर बचा 7 माइनस x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। तो ये ट्रांसपोज करके उधर ले जाइए, x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5/4 माइनस 7/4। ध्यान दे स्टूडेंट ये टू आंसर्स हैं, प्लस लेके एक आंसर आएगा और माइनस लेके दूसरा आंसर आएगा। रिपीट करो स्टूडेंट, ये टू आंसर्स हैं, टू रूट्स हैं ये एक्स के, प्लस लोगे तो एक आंसर आ जाएगा, माइनस लोगे तो दूसरा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके ये वाला नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसे जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें अप्लाई करके दिखाएंगे स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके ये वाला नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे इस वाले पोर्शन को रफ करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। यही होता है ना स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये स्टेप बाय स्टेप तीनों स्टेप यहाँ फॉलो कीजिए। सबसे पहले कहा के कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, ओके। फिर कहा के ए के कांस्टेंट से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय ए, तो एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स माइनस सी बाई ए। फिर कहा के बी बाई ए बाई टू स्क्वायर एड ऑन बोथ साइड, एड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में इसे ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप यहां देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज क्या कर सकते हैं, आप खुद से एक्स स्क्वायर यहां कर सकते हैं, ये पूरा ऐसे लिख b बाई
टू ए स्क्वायर, तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, टू इंटू बी बाई टू ए। क्या किया है मैंने स्टूडेंट, यहाँ मैंने टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड किया है। अब ये वाला जो टर्म बी बाई टू है, ये इसके फॉर्म का हो गया बी बाई टू ए, बी बाई टू ए। यहाँ आपका एलसीएम आ गया फोर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर एलसीएम आ गया देखिएगा, तो ए से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, फोर ए, फोर ए का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फोर ए सी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा ये वाला फॉर्मूला होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, यहाँ अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी बाई टू ए, बी बाई टू ए स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव पहले लिख लीजिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर। स्टैंड वीडियो में पॉज करके ये भी नोट डाउन कर लीजिए, इससे भी मैं नोट करने जा रहा हूँ। एक्स प्लस बी बाई टू ए तो ये तो हो गया स्टैंड, आप इसका लीजिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी बाई टू ए। ये प्लस माइनस होगा स्टूडेंट एक्स, अभी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि प्लस माइनस है टू आंसर्स हैं स्टूडेंट, तो इसे उधर लगाएंगे उठा के तो क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस टू बी स्क्वायर ए सी, ये जरूरी ट्रांसपोज करके माइनस बी बाई टू ए प्लस प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए। देखिएगा स्टूडेंट टू ए एलसीएम आ गया, माइनस बी प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जो कहते रहेंगे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। रूट्स एग्जिस्ट इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल, देखिए स्टूडेंट अगर ये लेस देन हुआ तो ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन होना चाहिए जीरो से, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एंड इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट इसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। तो ये कंप्यूटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी देख लिया कैसे आता है, ये माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और स्टेप का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट की स्टैंड हमने कराया है आपको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे, आगे क्वेश्चन कराते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन पार्ट सेकंड, तो जैसे कि हमने प्रोसेस आपको लिखाया था क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में कॉन्स्टेंट टर्म को ट्रांसपोज करके राइट साइड में ले जाना, ले जाइए टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू फोर। अब क्या करना है स्टूडेंट सेकंड स्टेप में, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, डिवाइड बाय टू करिएगा डिवाइड, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये तो हट जाएगा एक्स स्क्वायर वन बाय टू एक्स, और फोर को टू से डिवाइड करेंगे तो टू रह जाएगा,
1 by 2 coefficient of x 1 by 2 से 2 से डिवाइड करके स्क्वायर करके ऐड ऑन बोथ द साइड्स क्या है स्टूडेंट कोफिशिएंट ऑफ x by 2 स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x by 2 मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट ये क्या है स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x x का कोफिशिएंट 1 by 2 और 2 से डिवाइड किया है तो दोनों साइड में ऐड कर देंगे x स्क्वायर 1 by 2x plus 1 by 4 स्क्वायर इक्वल टू 2 1 by 4 स्क्वायर तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसे यहां ऐसे कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2 इनटू 2 से डिवाइड करके ये फॉर्मूला ये लाना है ना स्टूडेंट हमें 1 by 4 x प्लस होल स्क्वायर ऑफ 1 by 4 इक्वल टू 2 और ये कितना आ गया स्टूडेंट आपका 1 और 4 जस्ट 16 तो यहां से आपका होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b का फार्मूला अप्लाई होके a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया और ये आपका हो जाएगा x प्लस 1 by 4 स्क्वायर इक्वल टू 16 टू 18 सॉरी 16 टू 36 16 टू 32 प्लस 1 by 16 x plus 1 by 4 square equal to 33 by 16 taking square on both the side taking square root x plus 1 by 4 देखिए स्टूडेंट ये इसका अर्थ जाएगा x प्लस 1 बाय 4 प्लस माइनस रूट 33 बाय 4 1 बाय 4 को बदल लेते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 33 बाय 4 माइनस 1 बाय 4 मैंने कहा स्टूडेंट ये टू आंसर्स हैं प्लस लेके एक आंसर आ जाएगा माइनस लेके दूसरा स्टूडेंट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 की ओर और थर्ड सबसे पहले हमने कहा जब कांस्टेंट हमें राइट साइड में लगाइए 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 x माइनस 3 सेकंड स्टेप में कांस्टेंट हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए डिवाइड बाय x स्क्वायर कोफिशिएंट है 4 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से तो 4 कट जाएगा x स्क्वायर यहां से 4 कट जाएगा रूट 3 x और स्टूडेंट यहाँ माइनस 3 बाय 4 हो जाएगा क्या ऐड करते हैं स्टूडेंट हम कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 कोफिशिएंट ऑफ x रूट 3 बाय 2 स्क्वायर ऐड ऑन बोथ द साइड्स तो ऐड कर दीजिए स्टूडेंट x स्क्वायर रूट 3x प्लस root 3 by 2 square equal to minus 3 by 4 plus root 3 by 2 square तो स्टूडेंट यहां वही पॉजिटिव वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होल स्क्वायर ऑफ देखिएगा आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस ऐसे कर सकते हैं 2 रूट 3 बाय 2 x 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया होल स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए रूट 3 बाय 2 स्क्वायर और स्टूडेंट यहां माइनस 3 बाय 4 प्लस रूट 3 देखेगा स्टूडेंट यहां से ये क्या होगा आपका माइनस 3 बाय ये हो जाएगा 3 बाय 4 ये क्या होगा देखिए
इससे कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ बचा क्या x प्लस रूट थ्री बाय टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। देखिएगा स्टूडेंट टेकिंग स्क्वायर रूट तो ये हो जाएगा आपका x प्लस रूट थ्री बाय टू प्लस माइनस जीरो। वैसे सेम प्लस माइनस जीरो का वैल्यू तो जीरो ही होता है, बट क्योंकि यहाँ टू सॉल्यूशंस होते हैं स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो ये दोनों सॉल्यूशन सेम हो जाएंगे। बोथ सॉल्यूशंस आर बोथ द सॉल्यूशंस आर x माइनस रूट थ्री बाय टू एंड x माइनस रूट थ्री बाय टू, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। तो ये आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर वन हो जाता है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर वन बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से स्टूडेंट हमें इसके रूट पता करने हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्टूडेंट हमने डिस्कस कर लिया क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अभी मैं दोबारा भी लिखूंगा। क्वेश्चन नंबर वन के थ्री पार्ट स्टूडेंट मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करा दिए हैं, अब ये मैं कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट टी स्क्वायर माइनस कोर ए सी बाय टू। ये स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अभी इसी वीडियो में हमने स्टार्टिंग में इसे डिस्कस किया है स्टूडेंट, तो देखते हैं स्टूडेंट इसे अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन हम मान लेंगे कंपेयर इक्वेशन वन विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू टू, बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी इक्वल टू वन एंड सी मीन्स कॉन्स्टेंट फॉर्मूला स्टैंड ये लिखी दिया हमने। सो एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी तो वन ही स्टैंड वन स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए का वैल्यू कितना स्टैंड टू और सी का वैल्यू कितना है फोर, फोर ए सी बाय टू ए, टू इंटू ए टू इंटू टू, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस फोर फोर जो सिक्सटीन टू जो थर्टी टू बाय फोर एक्स माइनस वन प्लस माइनस थर्टी वन बाय फोर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो वैल्यू स्टूडेंट वो जीरो से कम आ गया, सो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हालांकि ये जो पार्ट है स्टूडेंट हमने लिया इसमें रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, पर आप क्या करेंगे स्टूडेंट और इससे पहले जो पार्ट्स हैं उन्हें आप इस फॉर्मूले से अप्लाई करेंगे। बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है और इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक और नाम इसके लिए स्टूडेंट प्रचलित है वो नाम है फॉर्मूला ऑफ धनाचार्य, इसे ही धनाचार्य का फॉर्मूला बोलते हैं। पहले स्टूडेंट देखते हैं x माइनस वन बाय एक्स इक्वल टू जीरो, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इसी इक्वेशन का हमें रूट पता करना है। तो अब क्या करिए स्टूडेंट इसे इधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वन बाय एक्स, ये इधर लाइए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर
और यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा स्टैंड आपका एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका माइनस वन, इफ एक्स माइनस वन जीरो तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा निकल के वन, ये आपका आंसर होगा। अगर स्टैंड यही आज आपका होमवर्क है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।